नमस्कार दोस्तों, अगर आपके ऊपर कोई फर्जी विद्युत चोरी का केस कर दे या विद्युत चोरी में पकड़े जाने पर आप पर मनमाना जुर्माना लग जाए या आप पर आप कोई गलत तरीके से बिजली चोरी के केस में फंसाना चाहे तो इसके लिए शिकायत कहाँ करेंगे और किस प्रकार करेंगे, इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त वरुण स्वागत करता हूँ एक नई वीडियो के साथ आपके अपने चैनल VRN इलेक्ट्रिसिटी नॉलेज पे। फ्रेंड्स, विद्युत चोरी के केस में किस प्रकार की चोरी में कौन सी धारा लगती है और कौन से तरह से पकड़े जाने पे कौन सा केस आपके ऊपर लगेगा, सबके लिए नियम बना हुआ है। अगर आपके ऊपर कोई फर्जी FIR कर दे विद्युत चोरी में, फर्जी तरीके से फंसा दे या विद्युत चोरी में पकड़े जाने पर जो ऑफिसर आता है वो मनमाना आपके ऊपर जुर्माना कर दे तो इसकी शिकायत आप कहाँ करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपके पास पर्याप्त सबूत है तो आप इसकी शिकायत कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपने जिले के DM कार्यालय पर या तहसील पर लगने वाले कैंप में तहसील दिवस में इसकी शिकायत कर सकते हैं या अपने यहाँ आपके यहाँ जो लोक अदालतें रखती हैं उसमें भी आप अपनी समस्या का इसका शिकायत कर सकते हैं। कोई भी अधिकारी अगर आपको फर्जी तरीके से फंसा रहा है, मनमाना जुर्माना कर सकता है, उसकी शिकायत आप कर सकते हैं या फिर आप हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत कर सकते हैं या आप CM हेल्पलाइन नंबर पर भी शिकायत कर सकते हैं। पर फ्रेंड्स, ये जितने भी तरीके हैं इनमें जल्दी सुनवाई नहीं होती है, कुछ समय जरूर लग जाता है। तो फ्रेंड्स, सबसे कारगर तरीका क्या है? सबसे कारगर तरीका है विद्युत लोकपाल। फ्रेंड्स, इसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है कि विद्युत में किसी भी तरह की गड़बड़ी होने पर किसी भी अधिकारी की जो आपको गलत तरीके से फंसा रहा है या मनमाना जुर्माना वसूल कर रहा है तो उसकी शिकायत भी आप विद्युत लोकपाल के यहाँ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, विद्युत लोकपाल के यहाँ शिकायत करने का प्रोसेस क्या है? विद्युत लोकपाल के यहाँ शिकायत के लिए आपको पर्सनली वहां पर जाना पड़ेगा या अपनी शिकायत को आप डाक के माध्यम से वहां पर भेज सकते हैं। इसी प्रकार से ही आपका वहां पर सुनवाई होगा और अगर आपके पास पर्याप्त सबूत हैं तो आप केस जीत जाएंगे। उसके अलावा आप कहीं पर भी शिकायत करते हैं, उपभोक्ता फोरम में शिकायत करते हैं तो फ्रेंड्स ये आंकड़ा है कि बहुत कम ही ऐसा चांस है जिसमें उपभोक्ता केस जीता हो। अधिकतर मामलों में विभाग ही केस जीतता है क्योंकि उपभोक्ता के पास पर्याप्त सबूत नहीं होते। तो जब भी आपके यहाँ चेकिंग स्टाफ या कोई भी आ रहा है तो उस समय आप उसकी वीडियो जरूर बनाएं, वीडियो रिकॉर्डिंग करके रख लें ताकि आपके ऊपर गलत और फर्जी तरीके से कोई फंसा ना पाए। आपने कितने दिन से विद्युत चोरी की है, कौन सा एक्ट आपके ऊपर लगेगा, कौन सी धाराएं लगेंगी, इन सब के लिए नियम कानून बना हुआ है। आपको कोई फर्जी तरीके से फंसा नहीं सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कोई फर्जी तरीके से फंसाया है या आपके ऊपर गलत FIR हुआ है, मनमाना जुर्माना लग गया है तो आप पता करिए, गूगल पे सर्च करिए, किसी के माध्यम से पता करिए कि आपके एरिया का जो विद्युत लोकपाल कार्यालय है वो कहाँ पर है। वहां पर आप पर्सनली जाइए, वहां पर अपनी समस्या दर्ज कराइए, अपना सारा डॉक्यूमेंट जमा करिए और इस तरह से आप वहां शिकायत करेंगे तो आपको न्याय जरूर मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए लाभदायक साबित हुई तो वीडियो को शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अगर चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि बिजली विभाग से संबंधित इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।